नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना मरीज के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार। फर्जी राशन कार्ड रद्द कराने के लिए ले रहे जानकारी। नागपुर में 6 बजे के करीब धूल भरी आंधी चली। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना मरीज के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार। कोविड 19 प्रतिबंधक उपयोजनाओं के मामले में जिला प्रशासन पर असफल रहने का आरोप लगाते हुए भाजपा के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति खराब हो रही है। संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन सही नियोजन नहीं कर पाया है। ऐसे में स्थिति यह है कि जल्दी ही जिले में शहर से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में मरीज पाए जाएंगे। शनिवार को पत्रकार वार्ता में बावनकुले बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आरटीपीसीआर जांच की समुचित व्यवस्था नहीं है। जांच रिपोर्ट मिलने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित होने तक सुपर स्प्रेडर बनकर विषाणु फैलाते रहते हैं। सब्जी बाजार व अन्य क्षेत्रों में भीड़ भी संक्रमण की वाहक बन रही है। उपचार व्यवस्था नहीं होने से काटोल नरखेड क्षेत्र में मरीजों को अमरावती लेकर जाना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे चिकित्सकों की भरमार है जो मरीज का इलाज सामान्य रोगी के तौर पर करते रहते हैं। इन चिकित्सकों के लिए अधिसूचना जारी कर सभी मरीजों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य करना चाहिए। नागपुर जिला विदर्भ के ग्रामीण अंचलों में मेडिकल सिस्टम पूरी कोलैप्स हो चुकी है। आरटीपीसीआर सेंटर पे जब आरटीपीसीआर हो जाती है उसके बाद 7 दिन के बाद 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद 3 दिन के बाद रिपोर्ट आता है। तब तक वो सुपर स्प्रेडर बन के गांव में घूम के गांव के गांव में पूरा कोरोना फैला रहा है। हमने 14 महीने पहले डिमांड की थी कि हर तहसील में जाकर आरटीपीसीआर का सेंटर जहां उसका रिपोर्ट भी मिले, टेस्ट भी और रिपोर्ट भी मिले, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। सब आईजीएमसी जीएमसी के ऊपर आते हैं, बाद में वो रिपोर्ट को समय लगता है। दूसरा, जहां पे ग्रामीण भाग में फल बेचने वाले, फ्रूट्स वाले, चाय वाले, पांठेले वाले, ये सुपर स्प्रेडर है जिनकी कोई टेस्ट नहीं की गई। जिनकी टेस्ट की है उनके ऊपर कोई हेल्थ वर्कर को जोड़ा नहीं गया है। कल जाके आपको दिखेगा कि शहर से ज्यादा ग्रामीण भाग में लोग मर रहे हैं। कहीं भी ऑक्सीजन बेड नहीं है ग्रामीण भाग में, कोई भी वहां पर ऑक्सीजन का सिस्टम नहीं है। काटोल नरखे के लोगों को अमरावती लेके जाना पड़ रहा है। ग्रामीण अंचलों के डॉक्टर जो है वो कोई पेशेंट जाने के बाद उसको कोरोना की कोई टेस्ट नहीं करवा रहे, डायरेक्टली उसको दवाई दे देते 7 दिन की दवाई देने के बाद वो पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और वो वहां पे ही मर जाता है। कल काटोल में ऐसी परिस्थिति है, एक पेशेंट का ऑक्सीजन 25 हो गया था। तो इस प्रकार से ग्रामीण भाग में कोई सरकार का ख्याल नहीं है और केवल सरकार के इस रवैये की वजह से लोग मर रहे हैं। अभी भी मौका है, सरकार ने तुरंत आरटीपीसीआर टेस्ट का वहां पर कैंप लगवाना चाहिए, तुरंत उसका रिपोर्ट मिलना चाहिए, हेल्थ वर्कर जोड़ना चाहिए, ग्रामीण भाग के डॉक्टरों को कहना चाहिए कि जब तक उसका टेस्ट नहीं होता तब तक उसके ट्रीटमेंट मत करिए। जिस प्रकार से हो रहा है वो सब गलत हो रहा है और इस वजह से आज ग्रामीण भाग में कोरोना बढ़ रहा है। आगे चल के ये जितना ज्यादा बढ़ेगा कि शहर कम रहेगा ग्रामीण ज्यादा रहेगा। सर, इस बारे में आप क्या करेंगे अपनी पार्टी की तरफ से? मैं मेरे पार्टी की तरफ से पूरी तरह से 3 दिन से दौरे पे हूँ, हर गांव में जा रहा हूँ, वैक्सीनेशन के लिए कई जगह जा रहा हूँ, वहां पर हर हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, तहसीलदार के पास जा रहा हूँ, व्यवस्था को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम आखिरी बात आती है सरकार की। सरकार जब तक उनको पैसा नहीं देगी ग्रामीण रुग्णालयों को, तब तक तो वह व्यवस्था खड़ी नहीं हो सकती है। सर, सरकार पूरी विफल हो चुकी है, यही आप कहना चाहते हैं? मैं आरोप लगाने के लिए आज नहीं आया हूँ, लेकिन जो व्यवस्था परिस्थिति आज है नीचे की वो बताने आया हूँ। अगर सरकार ने ख्याल नहीं दिया तो हमें सारे ग्रामीण भागे के लोगों को रास्ते पे उतरना पड़ेगा। तो वही दूसरी ओर फर्जी राशन कार्ड रद्द कराने के लिए ले रहे जानकारी। अन्न व आपूर्ति नागपुर विभाग ने राशन कार्ड धारकों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक जांच मुहिम शुरू की है। यह जानकारी इसलिए मांगी जा रही है ताकि फर्जी राशन कार्ड की जानकारी जुटाकर उन्हें रद्द किया जा सके। जिनके राशन कार्ड नियम अनुसार सही है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनके कार्ड रद्द नहीं किए जाएंगे, उन्हें नियमित रूप से राशन कार्ड के माध्यम से आगे भी सरकारी अनाज मिलता रहेगा। अन्न
दवा आपूर्ति नागपुर विभाग ने इसकी पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि नागपुर में पिछले कुछ दिनों से राशन केंद्रों पर फार्म भर कर कार्ड धारकों से आवश्यक जानकारी मांगी जा रही है। इस फार्म के साथ एक शपथ पत्र भी है जिसमें यह लिखा है कि अगर गैस सिलेंडर है तो राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में विभाग ने कार्ड धारकों से राशन केंद्र पर जानकारी जमा करने के लिए कहा है, लेकिन शपथ पत्र में गैस सिलेंडर का कनेक्शन होने पर राशन कार्ड रद्द किए जाने संबंधित उल्लेख से कार्ड धारकों में भ्रम की स्थिति बन गई है। कार्ड धारकों को डर सता रहा है कि उनका राशन कार्ड रद्द न हो जाए। तो वही तीसरी ओर नागपुर में 6 बजे के करीब धूल भरी आंधी चली। तेज हवाओं की वजह से सिविल लाइन स्थित मनपा आयुक्त के बंगले के पास 70 फुट ऊंचा मोबाइल टावर टूट कर गिर गया। अच्छी बात यह रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। मनपा के दमकल विभाग की ओर से संबंधित टावर को हटाने का काम चलता रहा। वहीं शहर में आधा दर्जन से अधिक पेड़ों ने जमीन का साथ छोड़ दिया। वहीं दर्जनों विज्ञापन के होर्डिंग्स तेज हवाओं के भेंट चढ़ गए। आने वाले 3 दिनों तक इसी प्रकार का मौसम बने रहने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। 1 या 2 अंतराल में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दमकल विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार आयुक्त के बंगले के पास तेज हवाओं की चपेट में आकर मोबाइल टावर गिरने की खबर शाम 7:15 बजे मिली। दमकल ने इसकी सूचना मिलते ही टीम भेज दी। मोबाइल टावर को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और अब डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ लाइव पर। नमस्कार।